हाँ दोस्तों, हरर गंग के आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है रमेश कुमार हुबी ब्लॉग में। अभी आप कौघाट से माँ गंगा के पावन दर्शन कर रहे हैं। हम अभी आपको दृश्य जो दिखा रहे हैं नए घाट का है। नए घाट में आप देख सकते हैं क्या गतिविधि होती है, और नए घाट में ही चोटी वाला फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होती है। आज की हमारी यात्रा कौघाट से स्टार्ट हो रही है। हमारे चैनल में आपको कुशाघाट की फुल वीडियो मिल जाएगी। या अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं कुशाघाट की दृश्य है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे होती है, और यहाँ पे मुंडन की कार्यक्रम और अस्थि प्रवाह की कार्यक्रम की जाती है। अभी आप जो दृश्य देख रहे हैं माँ गंगा के पावन दर्शन कर रहे हैं कौघाट से, और हम अभी कौघाट से मेला घाट तक का यात्रा करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ठंडी काफ़ी ज़्यादा है, ठंडी होने की वजह से काफ़ी सारे श्रद्धालुओं को थोड़ी परेशानी हो रही है, खास तौर पर जो बुजुर्ग हैं उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है। और रही बात कोविड टेस्ट की और हरिद्वार यात्रा की, तो उसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। इस वीडियो में भी आपको जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था कोविड टेस्ट के बारे में, हरिद्वार यात्रा के बारे में, इस वीडियो में भी आपको जानकारी मिलने वाली है। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, और आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे क्या है माँ गंगा के पावन दर्शन के साथ साथ हरिद्वार से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त होती रहेगी। हम आ चुके हैं सुभाष घाट पे। सुभाष घाट में अगर हम कहें यहाँ पे क्या गतिविधि होती है, ऐसे तो स्नान तो सभी घाटों में ही किया जाता है। हर की पैड़ी से विष्णु घाट, बिरला घाट, सभी घाटों में स्नान की जाती है, और सभी घाट में स्नान करने का अपना अलग अलग महत्व है। जैसे विष्णु घाट की अगर आपको बताऊं, वहाँ पे भगवान विष्णु ने डुबकी लगाई थी, और कुशा घाट की अगर कहूँ तो वहाँ पे भगवान राम स्वयं आए थे। अभी हम आ चुके हैं नए घाट पे। जैसे कि मैंने पहले कहा था, नए घाट और कुशा घाट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पे भीड़ हमेशा आपको देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं ये मुंडन की कार्यक्रम हो रहा है। ये नए घाट की पीछे की ओर का दृश्य है, यहाँ पे अस्थि प्रवाह किया जाता है। सामने की ओर मुंडन की कार्यक्रम और पीछे की ओर अस्थि प्रवाह की कार्यक्रम की जाती है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे श्रद्धालु माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे ठंडी होने की वजह से हमें सोचने की भी ज़रूरत पड़ती है कि स्नान करें या ना करें। ऐसे आप देख सकते हैं जल की गति तेज है, लेकिन जल में कमी आई है। आप देख सकते हैं पहले जल की गति और तेज थी। अगर आप हरिद्वार की यात्रा करना चाह रहे हैं बाय ट्रेन, तो आपको हरिद्वार रेलवे स्टेशन में कोविड टेस्ट की सुविधा मिल जाएगी। अगर आप कोविड टेस्ट या फिर कोविड के दोनों डोज नहीं ले रखे तो, अगर आपने कोविड के दोनों डोज ले रखे हैं तो आपको दूसरे डोज की कोई प्रूफ दिखाना होगा, जैसे कि SMS या फिर कोई हार्ड कॉपी। अगर बच्चे की बात हम कहें तो 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं उन्हें कोविड टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और 10 साल से जो बड़े बच्चे हैं उन्हें कोविड टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा वहां पे इंक्वायरी करने में रेलवे स्टेशन में कहा गया।
हम आ चुके हैं हर की पैड़ी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जल की गति कम होने की वजह से काफ़ी सारे श्रद्धालु आनंद ले रहे हैं माँ गंगा में डुबकी का। ये जो दृश्य अभी दिखाई दे रहा है ये है नई घाट का दृश्य, और यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ गंगा की निर्मल धारा की वेग, जैसे कि मैंने पहले कहा था, काफ़ी ज़्यादा तेज होती है यहाँ पे। हम आ चुके हैं नीचे हर की पैड़ी में। अभी हम ब्रिज में थे, अब हम नीचे आ चुके हैं। अभी हम ब्रह्मकुंड, बिरला टावर और महिला घाट का दृश्य भी आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आज जल की गति काफ़ी कम दिखाई दे रही है। ऐसे अगर आप जल की गति तेज हो तो स्नान करने से थोड़ा गहरे जल में बचें। हम आ चुके हैं महिला घाट पे, और महिला घाट में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग स्नान कर रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और माँ गंगा की ऐसी पावन दर्शन और हरिद्वार से जुड़ी जानकारी के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर गंगे।